अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। चलते हैं अंजुम के किचन में। आज बनाने वाले हैं बटर चिकन। उसके लिए हमने मेटल रखे हुए हैं। हमने 1.5 kg चिकन लिए हैं, धनिया पत्ते, हरी मिर्च और गरम मसाले हैं, ये खड़े मसाले, बड़े इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी है। हमने 6 प्याज लिए हैं और 8 टमाटर लिए हैं। इस सब को हम कट करके ग्राइंड करेंगे, इसको भी ग्राइंड करेंगे, इसको इस तरीके का जार में डाल के गरम मसाला भी इसी में ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च भी इसी में ऐड करके पीसेंगे। फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने अच्छी तरीके से चिकन को वॉश करके रखे। अब हम मेटल इसमें मिक्स करेंगे। हमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे इसमें। धनिया पत्ता, गरम मसाला, खड़े मसाले, पिसे हुए थे हमने हरी मिर्च, हमने काजू, 1 चम्मच क्रीम, हमने इसको पीसे हैं। चिकन मसाले, कस्तूरी मेथी, ब्लैक पेपर 1 चम्मच, मिर्चा पाउडर। हमने हरी मिर्च इसमें ऐड किए हैं, इसलिए थोड़ा से कम डालेंगे। रेड चिल्ली, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हम इसमें दही ऐड करेंगे। हमने 2 बड़े चम्मच में 2 चम्मच लिए थे। नमक, अपना टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। बटर ऐड कर देंगे। हमने जो काजू के साथ में क्रीम लिए थे, अमूल फ्रेश क्रीम लिए थे, उसमें 1 चम्मच काजू ऐड करके उसमें पीसे हुए थे हम। इसलिए बता दिए कि आप लोग क्या समझे क्रीम के बारे में, इसलिए हमने बोले कि अमूल फ्रेश क्रीम इसमें डालेंगे। हमने प्याज और टमाटर को पीस लिए हैं। हम इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमने एक कटोरी लिए हैं, उसके अंदर में 1 चम्मच देसी घी लिए हैं और इसको इसी के अंदर में इस तरह का रखना है। और हमने इधर में कोयला गरम किए हैं, कोल, इसको थोड़ा सा अच्छे से हीट होने देंगे। इसको अच्छी तरीके से पूरा एकदम लाल कर देना है कोल को। ढक देना है इसको करीब करीब, हमको
10 से 15 मिनट तक का रखना है, फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। दो चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें, रिफाइन ऑयल। हमने जो पेस्ट बना के रखे थे अब इसको इसी में ऐड कर देंगे। टमाटर और अनियन के ये पेस्ट है, इसी को अच्छे से पकाना है। इसमें एक चम्मच चीनी ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। टमाटर और ऑनियन दोनों के पानी जो है सूख चुके हैं, इसमें पानी निकलते हैं जब हम पीसते हैं। तो इसका पकाने का तरीका यही है कि पूरा थोड़ा सा सूख जाएंगे, कच्चेपन खत्म हो जाते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। देखिए हमारे ग्रेवी जो है बन चुके हैं। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे, आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हम इसको हटा देंगे। वाओ क्या फ्लेवर आया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन ऐड करेंगे। हमने कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर और एक चम्मच हमने इसमें रिफाइन ऑयल ऐड किए हैं इसी चम्मच से। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अब चिकन छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना है। फ्लेम जो है हाई रखेंगे। थोड़ा से हम इसको डिक्ची को जो मसाले लगे हुए थे उसको धो के इसमें पानी ऐड किए हैं। अब हम फ्लेम थोड़ा से मीडियम कर देंगे। अब हम इसको ढक देंगे।
दूध दिए थे, दही से पानी छोड़े हैं, इसी में हमने चिकन जो है पके, और हमने थोड़ा सा चाइना सॉल्ट इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर है तो आप डालिएगा, या नहीं तो इसको कर दीजिएगा। चिकन हमारे 50% पक चुके हैं। अब हम इसी में ये वाला मसाला जो बनाए थे ग्रेवी, इसको ऐड कर देंगे। फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे। मीडियम में फ्लेम रख के फिर ढक देना है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। वाओ, क्या खुशबू आ रही है। ये बटर चिकन है, बटर डालना तो इसमें बनता है, परफेक्ट बनी है। एक बार इसको जरूर ट्राई करिए। देखिए हमारे स्पेशल बटर चिकन बनके तैयार है। इसमें हमने पूरा कबाब का फ्लेवर दिए हैं। आप कबाब खाना भूल जाएंगे, इतना बेहतरीन बनी है। और इसको आप नान या लच्छा पराठा आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनी है, बहुत लजीज बनी है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।